मैं बारहवीं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं जन क्रांति सेना के मतलब संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ हमारे प्रमुख है जितेंद्र सिंह जी राठौर, उनके द्वारा हमें सूचना मिली थी कि यहाँ ये कोई आयोजन हो रहा है संस्थान के माध्यम से, तो उस आयोजन में आना है, तो इस आयोजन में मैं आया था। तो ये गरबा तक का नृत्य रहा आज का, जो बहुत अच्छा रहा और अच्छा लगा हमें। इससे पहले भी कहीं हमने तो आज तक नहीं देखा था, और नहीं आज तक गए थे, जाते भी नहीं। हम तो एक क्रांति जन क्रांतिकारी सेना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बुलाया तब देखा और पहली बार देखा और अच्छा लगा। चंद्र सिंह राठौड़, मैं कोटा से हूँ, और इस प्रकार का कार्यक्रम जो करने की हमारी जो भावनाएं हैं वो ये है कि एक विकलांग वर्ग का जो उत्साह है वो बना रहे, और उस उत्साह को देखते हुए राजस्थान में पहली बार ये गरबा का एक अनूठा कार्यक्रम हुआ है, और राजस्थान प्रदेश से ही नहीं बाहर से भी लोग आए हैं। ये जो प्रोग्राम है एक मुस्कान दिव्यांगों के नाम उसके ऊपर आयोजित है, ये भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम हमने आज आयोजित कराया है राजस्थान जयपुर के अंदर मेहता ग्रुप ऑफ कॉलेज में, जिसमें राजस्थान ये नहीं बल्कि भारतवर्ष के जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो अपना गरबा प्रोग्राम कर रहे हैं, और गरबा के साथ साथ जो भी टैलेंट है उसको भी यहाँ पे अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अदर अदर स्टेट के बहुत से विकलांग लोग आए हैं, जिनके किसी के पैर नहीं है, जो कई प्रकार की जो विकलांगता है वो सब अपनी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हमारे द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जो एक नई पहल है, ऐसा प्रोग्राम भारतवर्ष में हुआ या नहीं है मेरे को आइडिया नहीं, कि राजस्थान में ऐसा प्रोग्राम पहली बार हुआ है जिसमें दिव्यांग लोग इस तरह का प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ओल्ड राजस्थान से, ओल्ड इंडिया से, इसमें बिल्कुल महाराष्ट्र से भी है, गुजरात से भी है, बिहार से भी, कई लोगों से, यानी राजस्थान से, राजस्थान के बाहर के अदर स्टेट्स के भी कई लोग इसमें आए हैं। अरे एक शॉर्ट नोटिस पे आए, मात्र दो दिन की पहल थी, ऐसा कोई प्लान नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था, मात्र दो दिन का प्रोग्राम था, और दो दिन पहले मतलब परसों सोचा था और आज प्रोग्राम आयोजित करा दिया हमने। अब रीट लेवल का एग्ज़ाम भी आने वाला है जनवरी के लिए, उसको बताया जाए तो क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि मैंने कहा था कि अभी शिक्षा मंत्री के ट्वीट आए थे, उन्होंने कहा कि अभी चार पाँच दिन के बाद वो पूरी डिटेल देने वाले कि रीट का एग्जाम कब होगा, उसमें नया क्या रहेगा, सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा, इसके बाद रीट होने के बाद पात्रता परीक्षा का क्या प्रक्रिया रहेगी, या पात्रता परीक्षा कितने साल के लिए रहेगी या लाइफ टाइम रहेगी, वो सारी जानकारी शिक्षा मंत्री देने वाले, और साथ ही साथ इसके बाद मेंस एग्जाम कब होगा और मेंस की कितनी सीटें आएगी, उन सब के बारे में भी ट्वीट किया है। अब देखते चार पाँच दिन बाद इसकी डिटेल आने वाली, कि जो भी होगा पता पड़ जाएगा अपने को। ऐसा ही भर्ती का मुद्दा इन दिनों चल रहा है, अभी रद्द करने की मांग बार बार कर रही है, आज ट्रेनी जो SI थे वो भी किरोड़ीलाल मीणा के आवास पे पहुंचे थे, वो भी गुहार कर रहे कि इसको रद्द ना किया जाए, कई ऐसे लोग हैं कि ईमानदार जो पढ़े लिखे हैं उनका भी नुकसान होता है, तो क्या कहना? सर मैं इस कर हमेशा कहूँ कि कोई भी एग्जाम्स कम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है, अगर इसमें धांधली होती है तो धांधली के बाद किसी भी एग्जाम्स को रद्द करना तो थोड़ा गलत होता है। कैसा होता है कर बताऊँ कि अगर 100 बच्चे भी अच्छे तरह से पास हो गए एग्जाम तो उनका तो नुकसान हो जाना है, अगर कोई भी जो धांधली हुई अगर वो पकड़ में आ रहे हैं उनको आप निरस्त करो, उनको आजीवन निरस्त करो, जो भी करना है उनका एग्जाम, और जो सीटें वैकेंट है उसका नई पोस्ट निकाल के नया वैकेंसी जारी करो, तो इसको रद्द करना तो मेरे साथ गलत है, मैं रद्द के खिलाफ तो हमेशा ही रहूँ सर हमेशा, क्योंकि रद्द करना गलत होता है, क्योंकि अगर मान लो इनमें से 50, 60, 100 बच्चे जो भी अगर मेहनत करके पास नहीं, उनकी क्या गलती, तो उनकी गलती तो नहीं है, तो उनको क्यों सजा देना, तो ये मेरे साथ गलत है। अगर जितने भी लोग पकड़ में आ रहे हैं उनको आप आजीवन निरस्त करो या बंद करो या उनको जो भी करना है, और जितने पद खाली रहते हैं उन खाली पदों पर नए पद निकाल कर नई वैकेंसी जारी करें, ये मेरी सरकार से हमेशा अनुरोध रहती है। सबसे पहले तो आप सबका सबसे पहले थैंक यू। जैसा कि मुकेश सर ने आपको बताया है कि एक दिव्यांग, एक मुस्कान दिव्यांगों के नाम आज ये ऑर्गेनाइज हमने किया है मेहता ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज दिव्यांगों के लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत अगर इतना किया है, उनके फेस पर अगर स्माइल हम लेके आए हैं हमारे लिए गर्व की बात है। आगे भी हम ऐसे ऑर्गेनाइज मुकेश जी के साथ करते रहेंगे। और रही बात हमारा मेहता स्कूल एंड ग्रुप एजुकेशन का है, टाइम टू टाइम हमेशा हम ऐसे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करते रहते हैं, सामाजिक सरोकार हो, दिव्यांग के लिए हो या अदर जो भी सामाजिक प्रोग्राम होते हैं टाइम टू टाइम करते रहते हैं। क्या क्या हमारे यहाँ 2002 से स्कूल स्टार्ट किया था, उसके बाद में हमने CBSE, हमारे पास में एकेडमी नाम से स्कूल है, मेहता स्कूल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और मेहता कॉलेज PG कॉलेज है, मेहता ITI कॉलेज है, और मेहता फार्मेसी है। ये सब कुछ हम आज एक उदयपुरिया हरमाड़ा एक छोटा सा गांव था, आज हमने 20-22 साल में बहुत कड़ी मेहनत करके इस मुकाम पाया है, और आगे भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के स्थानीय बच्चों को और बाहर से आने बच्चों को अच्छी एजुकेशन हम दे सकें, यही हमारा प्रयास हमेशा रहता है। लेकिन दिव्यांगों के द्वारा ये राजस्थान में एक ऐसा प्रोग्राम पहली बार आयोजन हो रहा है, गरबा नृत्य ने अपना टैलेंट शो
इस टैलेंट शो के माध्यम से और गरबा महोत्सव के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं हम सभी दिव्यांगजनों को कि जीवन में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये प्रोग्राम जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसमें सारी सर के द्वारा सुलभ और अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, दिव्यांग फुल रूप से अपना एंजॉय कर रहे सर। नहीं सर, राजस्थान में ये पहला प्रोग्राम है जो हमारे संस्था के माध्यम से मुकेश सर के द्वारा करवाया जा रहा है। ये राजस्थान का पहला दिव्यांग एंड टैलेंट शो है सर। इससे पहले सर गुजरात में हमने देखा था, एक दो बार हम गए थे तो हमारे मन में भी विचार आया कि क्यों ना हम भी ये प्रोग्राम राजस्थान में करवाया जाए, लेकिन राजस्थान में इतना नहीं होने पाने की वजह से हम सोच ही रहे थे कि ये प्रोग्राम कैसे करवाया जाए, लेकिन कैसे करके हमें सरकार सानिध्य मिला और हम ही आज अच्छे से प्रोग्राम करवा रहे हैं। मेरा नाम घनश्याम तोसावड़ा है, मैं पाली जिले से हूँ और वर्तमान में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर सीएम हेल्पलाइन में हूँ। मेरा नाम सायरा खान है और एक मुस्कान दिव्यांगों के नाम संस्थान की महिला अध्यक्ष हूँ। और हमारा जो ये पहला प्रोग्राम थे, ये हमारा पहला प्रोग्राम नहीं है सर, हमने पिछले मेरे हस्बैंड 10 साल से ये इसी काम में है और काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं उन्होंने, बट ये पहला प्रोग्राम इसलिए कहा जाएगा कि गरबा प्रोग्राम जो हमारा दुनिया का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ राजस्थान के इतिहास में हमने ये पहला गरबा प्रोग्राम रखा है जो कि वो बहुत अपने आप में एक शानदार प्रोग्राम हुआ है और सबको इस बात से पता चलेगा कि हम दिव्यांग भी कुछ कर सकते हैं। बाकी सारे टैलेंट में तो दिव्यांग पीछे नहीं थे, लेकिन हमने आज ये भी साबित कर दिया कि हम गरबा भी खेल सकते हैं और इस प्रोग्राम से हम लोगों को काफ़ी खुशी मिली है, बहुत अच्छा लगा। और आप और लोगों से भी पूछ सकते हैं कि उनके चेहरे पे भी खुशी अलग जाहिर हो रही है कि उनको खुद इतना अच्छा लगा है यहाँ आने के बाद, और दूर दूर से लोग आए, हमारे हरियाणा से लोग आए, फिरोज़ाबाद से लोग आए, आगरा से आए हैं, यूपी बिहार से आए, सभी तरह से सभी जगह से लोग आए हैं इस गरबे का सुन के कि ये गरबा एक अपने आप में अनोखा सबकी नज़र में था। और जब वो यहाँ आए तो आने के बाद उन्होंने खुद इस बात को महसूस किया और समझा कि हाँ ये गरबा प्रोग्राम एक अनोखा प्रोग्राम है और सच में ही ये बहुत दिल को छूने वाली और प्रस्तुति थी और सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। और रही बात के हमारे सहयोग की, तो डॉक्टर मुकेश पंचोली साहब ने जो हमारा सहयोग किया है उसकी तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये इतना सब कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, और उन्होंने हमारी सोच से भी ज़्यादा आज यहाँ पर उन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से आज सारे दिव्यांग बहुत खुश है। और आगे भी अगले प्रोग्राम में आप इससे ज़्यादा भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों को ये लगा जितने आए कि हाँ यार देखते हैं चलते हैं, बट आप अब अगर जब भी हम आगे जल्दी कोई अच्छा प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज करेंगे इससे ज़्यादा भीड़ देखने को आपको मिलेगी। मैं सबसे पहले नमस्कार, मैं इशाक मोहम्मद एक मुस्कान दिव्यांगों के नाम संस्थान के संयोजक पद से हूँ। और ये जो आज राष्ट्रीय गरबा महोत्सव जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है, और इसकी शुरुआत हमने ऐसे की कि लोग जो दिव्यांग नहीं है वो अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं सब जगह, लेकिन दिव्यांगों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो अपनी प्रस्तुति दे सके, एंजॉय कर सके। तो इसको देखते हुए हमने एक छोटी सी पहल की, और जब हम मुकेश पांचोली जी सर के पास आए तो उन्होंने इसको सराहा और कहा वाकई में ये तो होना ही चाहिए, और उन्होंने आज आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया। और आप ये भी देख रहे होंगे कितने दिव्यांग साथी हैं जो कितना झूम रहे हैं, साथियों पैसा हर किसी के पास हो सकता है पर किसी के चेहरे पे मुस्कान हर कोई नहीं ला सकता, और वो चेहरे पे अगर यदि मुस्कान लिया है आप तो समझो दुनिया का सबसे अच्छा काम आपने किया है। किसी का दिल दुखाने के बजाय आप किसी को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस प्रोग्राम में जैसा आप देख रहे हो हरियाणा पंजाब गुजरात मतलब पूरे देश से लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं और टीमों के साथ आए हैं। मुझे भी इतना विश्वास नहीं था, पहले हमें लगा कि 100-150 जने हो जाएंगे, फिर 100 हुए 150 हुए और आज पूरा पांडाल भरा है, मतलब प्रत्याशित है, लोगों में उत्साह है, दिव्यांगों में उत्साह है, और इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए, इनका मनोबल भी बढ़े
और ये अगर यदि आप कर पाते हो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ आप हासिल कर पाते हो। इससे पहले एक मुस्कान दिव्यांगों के नाम संस्थान ने कई कार्यक्रम किए जिसमें विवाह परिचय सम्मेलन हुआ, सांस्कृतिक समारोह हुआ, शादी का हुआ, ये सब कार्यक्रम हमने किए, अलग अलग जगह स्टेज देने की कोशिश की दिव्यांगों को, और हम आगे भी ये कोशिश जारी रखेंगे कि हर त्यौहार में सभी धर्मों के जो दिव्यांग साथी हैं मिलकर के अच्छा एंजॉय कर पाएँ।